इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव शहर में अनअधिकृत होर्डिंग कैसी होती है, ये पहले आप समझ लीजिए। अनअधिकृत होर्डिंग उसे कहते हैं जिसे बिना परमिशन के लगाया जाए। दरअसल होर्डिंग्स लगाने के लिए आप जो जन्मदिन वगैरह की एड्स देखते हैं, होर्डिंग लगी रहती है वहाँ पर, बड़े बड़े पोल्स पे कहीं और, तो इन सब चीज़ों के लिए महानगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ती है। महानगर पालिका की एक फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, वो फीस भरनी पड़ती है। हर दिन के हिसाब से वो फीस है, वो फीस आपको भरनी पड़ेगी। साइज के हिसाब से वो फीस होती है, वो फीस आपको भरनी पड़ेगी। आपको ट्रैफिक विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो जो बैनर लग रहा है उससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी नियम जब आप पूरा करते हैं तो महानगर पालिका पे एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपको होर्डिंग लगाने के लिए फिर परमिशन मिल जाती है, अपना विज्ञापन कर सकते हैं। इन दिनों जगह जगह शहर भर में, चूंकि गर्मी का मौसम है, तो एक वाटर पार्क की होर्डिंग जो है वो पिछले 2-3 दिनों से लगी हुई थी। और जब होर्डिंग्स लगाई जाती है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक नंबर दिया जाता है महानगर पालिका की पावती का, रिसीट का, वो नंबर उस होर्डिंग पे लगाना पड़ता है। वो उससे वो पता चलता है कि वो होर्डिंग कितने दिन के लिए और किस नंबर से लगाई गई है। ये जो वाटर पार्क की होर्डिंग लगाई हुई थी, इस पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं था, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी इसको ऐसे ही लगा दिया गया है, इसके लिए परमिशन नहीं ली गई है। अब परमिशन नहीं ली गई है तो कानून के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा जिस व्यक्ति का वो होर्डिंग है, जिस संस्था का वो होर्डिंग है, उस संस्था के मालिक को। उस पर विद्रूपीकरण का केस भी होता है, कोई FIR भी होती है, ऐसी जानकारी मिली है। तो लोग जो हैं, देखिए, जो लोग पैसा भरते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जिन्होंने पैसा नहीं भरा है उनको किस तरीके से पंगे में लाया जाए, क्योंकि मैं पैसा भर रहा हूं और वो पैसा नहीं भर रहा है, बिना पैसे के वो कर रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने शिकायतें की है, जिसके बाद ये खबर बनाई जा रही है कि यहाँ जो वाटर पार्क की विज्ञापन लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे, वो गैरकानूनी तरीके से लगाए गए थे, उसके लिए परमिशन नहीं ली गई, ना महानगर पालिका से ली गई, ना पुलिस विभाग से, ट्रैफिक विभाग से ली गई, इसकी जानकारियाँ भी ली गई थी। तो अब जो है वो नागरिक, जब जैसे ही ये खबर आई मंगलवार के दिन, पोर्टल्स पे आने लगी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वैसे ही जिन्होंने भी ये होर्डिंग लगाया था उन्होंने वो होर्डिंग रफा दफा कर दिया, तुरंत वहां से हटा दिया। लेकिन क्या इस तरीके से होर्डिंग हटा देने के बाद महानगर पालिका उन पर कार्रवाई नहीं करेगी? क्या पुलिस विभाग में जो जुर्म दर्ज होना चाहिए वो नहीं होगा? देखना यही है कि क्या इस तरीके से अनअधिकृत होर्डिंग लगा देने के बाद अगर उसे निकाल दिया जाए तो उन पर कार्रवाई होती है या नहीं। हालांकि ये यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि मैं, जो व्यापारी होते हैं ना, वो किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को एक टेंडर दे देते हैं, ठेका दे देते हैं कि भाई आप इतनी जगह पर हमारी होर्डिंग्स लगा दो, इसके ये पैसे होते हैं, वो डिमांड करते हैं, उस हिसाब से दड़ जोड़ करके जो भी पैसा होता है वो एकमुश्त उस ठेकेदार को दे दिया जाता है, क्योंकि जो व्यापारी रहता है वो खुद तो जाता नहीं वो लगाने के लिए, वो भी किसी न किसी को दे देता है वो काम। ये जिसको दिया जाता है काम, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके की वो होर्डिंग्स वगैरह लगा रहे हैं तो जो व्यापारी है, जो मालिक है उस प्रतिष्ठान का, वो उसको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए उसको सारे काम नियम पूर्वक करने चाहिए। लेकिन व्यापारी ध्यान दे नहीं पाते हैं और इधर लोग 2 रुपए बचाने के चक्कर में गैरकानूनी काम कर देते हैं। अब आज के समय में अगर कोई कार्यवाही होती है तो वो तो वाटर पार्क के मालिक पर होगी, जिनके नाम से भी वो वाटर पार्क होगा उन पर होगी। तो इस तरीके से एक तरीके से कहीं ना कहीं नहीं गलती होते हुए भी बेचारे फंस जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए व्यापारियों को कि आप जिससे काम करा रहे हैं वो ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसे समझाइए कि जो भी काम करे ऑथेंटिक तरीके से करे। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटे कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम, आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।